शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। मैप के अंतर्गत आज हम देखेंगे भारत में मिट्टी का जो वितरण रहा है, ठीक है, वो कौन से एरिया में कौन सी टाइप की मिट्टी पाई जाती हैं इस मैप के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे कि रेड कलर से जो लाइनिंग दर्शाई गई है ये लाल और पीली मिट्टी है, मतलब कि काफ़ी सारे हिस्से में हम देखते हैं भारत का जो पूर्वी वाला हिस्सा है, पूर्वी किनारे से हम यदि नीचे साउथ की तरफ जाते हैं तो मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा हो गया, इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नीचे से आप आंध्र प्रदेश चले जाइए, ठीक है, तमिलनाडु चले जाइए, कर्नाटक, केरल, ये सारे हिस्से में हमें लाल और पीली मिट्टी दिखाई देगी। इसके बाद यदि हम काली मिट्टी की बात करें, काली मिट्टी लगभग हमारे देश के बीचों बीच वाले हिस्से में और पश्चिमी वाले हिस्से में पाई जाती है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा आ जाएगा, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा आ जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत हिस्सा इसमें गुजरात का शामिल है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं काली मिट्टी। फिर बात यदि हम करें लैटेराइट मिट्टी की, तो लैटेराइट मिट्टी आप देख रहे हैं बहुत ही कम दिखाई दे रही है। ये जो हमारा पश्चिमी तट है पैरेलल में इसके लैटेराइट मिट्टी है, कहीं कहीं बीच बीच में इस तरफ से यदि हम बात करें झारखंड तरफ, बंगाल तरफ, तो इधर लैटेराइट मिट्टी है, और ये राजस्थान की तरफ में देख लें, ठीक है। फिर शुष्क में शुष्क वाली मृदा है, राजस्थान वाला जो एरिया है डिजर्ट वाला। इसके बाद पर्वतीय और वन वाली मिट्टी की यदि हम बात करें तो ये देखिए ग्रीन कलर से इसको दर्शाया गया हमारे पर्वतीय हिस्से में। वहीं यदि हम प्रीवियस ईयर के हिसाब से मृदा के बारे में एनालिसिस करें तो 2010 में एक क्वेश्चन आया था, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी ये रेड कलर से हम देख रहे हैं, ठीक है, तो कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण पूछा गया था कि लाल कलर आखिर दिखाई क्यों देता है। इसमें ऑप्शंस हमको दिए गए थे मैग्नीशियम का ज़्यादा पाया जाना, इसमें ह्यूमस होना, या फिर फेरिक ऑक्साइड होना, या फिर फास्फेट होना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। भारत में लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट जैसी जो रूपांतरित चट्टान हैं, ये चट्टानें जब टूटती हैं छोटे छोटे कणों में तब लाल मिट्टी बनती है। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार 5.1 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में है। इसका कितना है? 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया। कैसे करके बनी है? ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट जैसी जो रूपांतरित चट्टानें हैं ना, ये टूटती हैं तब जाकर के लाल मिट्टी बनती है। लाल होने के कारण है इसमें लौह ऑक्साइड की उपस्थिति। कुछ कुछ एरिया में ये चॉकलेटी और पीले रंग की भी देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें कंकड़ पत्थर भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी का जो एरिया है झारखंड के संथाल परगना, छोटा नागपुर पठार, पश्चिम बंगाल का पठारी क्षेत्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, इसके अलावा आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग इसमें शामिल हैं, उड़ीसा, यूपी, यूपी में झांसी, ललितपुर, मिर्जापुर और बांदा जिला है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, ये हमको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेनली मोटे अनाज, दलहन, तिलहन की फसलों के लिए विशेष रूप से इसका यूज़ किया जाता है। तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों में इस मिट्टी के क्षेत्र में रबड़ एवं कहुआ के बागान विकसित किए जाते हैं। तो ये तो थी लाल मिट्टी से रिलेटेड भौगोलिक जानकारी मैप के साथ में। इसके बाद हम पहली न्यूज़ देखेंगे पीआईबी से। पीआईबी की फर्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग से रिलेटेड। यदि हम पहली मीटिंग की चर्चा करें नेशनल गंगा काउंसिल, तो इसका आयोजन किया गया था कानपुर, उत्तर प्रदेश में, और इसके चेयर्ड कौन थे? इसके चेयरपर्सन बनाए गए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। तो जो पहली मीटिंग थी काउंसिल की, इसका उद्देश्य था री रेनफोर्सिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ गंगा सेंट्रिक अप्रोच। गंगा सेंट्रिक अप्रोच का महत्व कितना है, कहाँ पर ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट, जिस जिस स्टेट में ये बह रही है, जिस जिस स्टेट में इसका पवा क्षेत्र है, वहाँ पर बताना कि गंगा सेंट्रिक अप्रोच यदि हमारी रहेगी तो उसका क्या क्या महत्व होने वाला है, और इससे जो जुड़ी
मिनिस्ट्रीज हैं उनको भी इसके महत्व के बारे में अवगत कराना। नेशनल गंगा काउंसिल, जिसको हम जानते हैं नेशनल काउंसिल फॉर रिजुवनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा, नेशनल गंगा काउंसिल का दूसरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर रिजुवनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा। इसको सेटअप किया गया था 2016 में। इसने रिप्लेस कर दिया नेशनल रिवर गंगा बेसन अथॉरिटी, शॉर्टकट में कहें तो NGRBA को। तो जो नमामि गंगे है, ठीक है, इसमें इवॉल्व होना चाहिए क्या? अर्थ गंगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल। अर्थ गंगा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल है जिसका फोकस है इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू गंगा। ठीक है, अर्थ गंगा, नमामि गंगा, नमामि गंगे को हमें क्या बनाना है? अर्थ गंगा बनाना है, तब जाकर के ये साफ सुथरी हो सकती। मतलब गंगा नदी से हम कैसे करके पानी पैसे कमा सकते हैं। तो सेटिंग अप ऑफ ए डिजिटल डैशबोर्ड वेयर डाटा फ्रॉम विलेजेस एंड अर्बन बॉडीज टू बी मॉनिटर्ड ऑन ए डेली बेसिस बाय नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। एक डिजिटल डैशबोर्ड बनाने की यहाँ पर बात करी जाती है, जहाँ गांव-गांव से शहर की जो संस्थाएं हैं वहाँ से डेटा को इकट्ठा किया जाएगा, मॉनिटरिंग किया जाएगा डेली बेसिस पे, किसके द्वारा? नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के माध्यम से। अब नेशनल गंगा काउंसिल की यदि हम बात कर लें, तो द नेशनल गंगा काउंसिल की अध्यक्षता करते हैं प्राइम मिनिस्टर। नेशनल गंगा काउंसिल का निर्माण हमने करे हैं अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इट हैज़ बीन गिवन ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको दी गई है सभी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये अध्यक्ष क्या करें, सुपरिटेंडेंस करें, मतलब सुपरवाइजिंग का ये काम करें, ऑफ पॉल्यूशन प्रिवेंशन, पॉल्यूशन को कैसे करके प्रिवेंट करना है। इसके अलावा रिजुवनेशन का काम भी इसको करना है, पुनरुद्धार करना है किसका? गंगा नदी के बेसिन का। इसमें इंक्लूडिंग है गंगा और इसकी सहायक नदियाँ भी। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG जो एक्ट बना था, एक्ट्स एज एन इम्प्लीमेंटेशन आर्म ऑफ द NGC। इसकी एक आर्म है जिसका नाम है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये काम करती है इम्प्लीमेंटेशन के सभी प्रकार के। और NMCG को एस्टेब्लिश किया गया था 2011 में एज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी के तौर पर। अब इसमें हम देखते हैं कि टू टायर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बनाया गया है एंड इसमें कंप्राइज है, मतलब शामिल है गवर्निंग काउंसिल और एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसलिए हम इसको दो भाग में बांट दिए, टू टायर वाला मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे द हिंदू की पहली खबर GST से रिलेटेड है। तो GST को हम सबसे पहले आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे, फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका एनालाइज हम करेंगे। तो GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसमें दोनों ही चीज़ें आ गई हैं, वस्तुएं भी आ गई हैं और सेवा क्षेत्र को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, मतलब कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको कहा जाता है। हिंदी में यदि कहें तो इसको माल एवं सेवा कर कहते हैं। इसे वस्तुओं की खरीदारी करने पर या फिर सेवाओं का इस्तेमाल करने पर आपको चुकाना पड़ता है। पहले कई तरह के टैक्स हमारे देश में चलते थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, वैट, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स। इन सब को हटा करके उनकी जगह पर एक ही टैक्स लगाया गया है, GST टैक्स। भारत में इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ये सिस्टम लागू हो गया है। तो जो पहले का पुराना सिस्टम था उसमें बहुत सारी कमियां थी, इसी के चलते चलते GST को लाया गया था। 1 जुलाई 2017 के पहले देश और राज्यों में कई तरह के टैक्स और सिस्टम चला करते थे। कारोबारियों को उत्पादन से लेकर ही बिक्री तक के बीच में अलग अलग स्टेजों पर अलग अलग टैक्स देना पड़ता था। एग्जाम्पल के लिए माल फैक्ट्री से निकला है, सबसे पहले उस पर उत्पाद शुल्क लग जाएगा, एक्साइज ड्यूटी लगाना पड़ेगा। कई सामानों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी लग जाता था, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी लग जाता था। वही माल अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है तो राज्य में घुसते ही उसमें एंट्री टैक्स लग जाएगा। इसके बाद जगह जगह छोटी मोटी चुंगियाँ तो लगते ही रहती थी। फिर माल को जब बेचा जा रहा है, कपड़े को जब बेचा जा रहा है, तो उस टाइम सेल
सेल्स टैक्स या फिर वैट चुकाना पड़ता था। कई मामलों में परचेज टैक्स भी लगता था। अगर कोई सामान लग्जरी की श्रेणी में आता है तो लग्जरी टैक्स अलग से देना पड़ेगा। वो सामान अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट आदि में अवेलेबल करा रहे हैं तो सर्विस टैक्स भी आपको देना है। मतलब फैक्ट्री से लेकर के कंज्यूमर के हाथों में चीज पहुंचने तक कई प्रकार की उसमें ड्यूटी लगाई गई, टैक्स लगाए गए। जीएसटी लागू करके कारोबारियों को टैक्सेस के इस मकड़जाल से बचाने की कोशिश करी गई थी और सभी पर एक ही तरह का टैक्स लागू कर दिया गया था। इसके बाद सीधे हम चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज में और देख लेते हैं एडिटोरियल में कौन कौन सी बातें छापी गई हैं। तो देखिए, इंडिया और चाइना की रिलेशन 1962 के टाइम में या उससे पहले कैसे थे और आज के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से चेंजेस आए हैं उसको लेकर के ये आर्टिकल लिखा गया है। तो हम देखते हैं इंडियन ट्रूप्स और चाइनीज पीएलए, भारतीय सैनिक और चाइना की जो पीपुल लिबरेशन ऑफ आर्मी है, दोनों के बीच में क्या हुआ था, क्लैशेस देखने को हमको मिला, हाथापाई देखने को मिली है। कहाँ पर? गलवान 2020 में। इसके बाद हम देखते हैं यांगसे में अरुणाचल प्रदेश में फिर से झड़प हुई थी भारतीय सैनिक और चीन के आर्मी के बीच में। यहां से हाईलाइट हो जाती है बाउंड्री डिस्प्यूट, इसके साथ साथ में एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कितनी कॉम्प्लेक्स है, यहां से ये चीजें हाईलाइट हो जा रही हैं। 1960 के दशक में भारत चीन संबंधों और एलएसी के साथ वर्तमान स्थिति में समानता की जांच करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोनों स्थितियां सीमा के क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। हालांकि 1950 के डिकेड में दशक में जो ध्यान था क्षेत्रीय विवाद के क्वेश्चन पर था, जिसमें भारत ने जो दावा किया था संपूर्ण अक्साई चीन, ठीक है, और चीन द्वारा दावा किया गया पूरा नेफा, मतलब जिसको हम अरुणाचल प्रदेश कह रहे हैं। आज हालांकि चीन के अक्साई चीन पर मजबूती से कब्जा करने और अरुणाचल प्रदेश में अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने में भारत के दृढ़ होने के साथ ही तत्काल मुद्दा एलएसी पर चला गया है। पहला मुद्दा कहाँ रहता था, नेफा का, और दूसरा अक्साई चीन का। आज के टाइम में पूरी एलएसी में चला गया कि दो जगह नहीं, पूरी की पूरी में कहीं ना कहीं विवाद होते रहना। मतलब कि आज के टाइम में यदि हम देखें लद्दाख, दौलत बेग ओल्डी, यहीं तक मतलब और दक्षिणी डेम चौक तक ही ये विवाद सीमित नहीं है जैसा कि पिछले दशकों में रहा है। दिप्सांग, गलवान, पेंगोंग झील, ऐसे बहुत सारे एरिया के नाम हम आपको गिना रहे हैं जहां पर विवाद कंटिन्यू चलते ही जा रहा है। हॉट स्प्रिंग भी ऐसा एरिया है जहां चीन समीचीन दावों को दबाना चाहता है। गलवान की घटना के बाद से दोनों पक्षों ने कई सारे जो फ्रिक्शन पॉइंट है वहाँ पर बातचीत करी। कुछ कदम हम पीछे हट गए, कुछ कदम पीछे चाइना हट गया है। यहाँ तक कि देपसांग और डेमचौक में गतिरोध से बाहर निकलने के लिए सैन्य और कूटनीतिक बातचीत अभी भी चल ही रही है। अब यदि हम बात कर लें मिडल, जिसको सेंट्रल सेक्टर कहते हैं, बाराहोती पास्चर नॉर्थ इन चमोली उत्तराखंड हैज़ बीन इट सेंटर ऑफ द डिस्प्यूट फॉर पास्ट 7 डिकेड। पिछले 70 साल में मध्य एरिया में उत्तराखंड में चमोली के नॉर्थ में जो बाराहोती चारागाह है पिछले 7 दशकों में विवाद के केंद्र में रहा है। अब यदि हम बात करें इन द ईस्टर्न सेक्टर, पूर्वी सेक्टर अरुणाचल प्रदेश की, तो जो इंटरनेशनल बाउंड्री है इसके साथ साथ में एलएसी है डिफाइन की गई है 1914 के मैकमोहन लाइन के आधार पर, बेस्ड ऑन द वाटरशेड प्रिंसिपल। इसके बावजूद चाइना क्या काम कर रहा है, फिर भी चीन तवांग क्षेत्र के साथ साथ ऊपरी सुबनसरी क्षेत्र जैसे अन्य सेक्टर, इसके अलावा आगे जो म्यांमार पड़ जा रहा है, जो ट्राई जंक्शन है, यहां पर वो अपनी पैठ बनाना चाहता है। अब यदि हम देखें परंपरागत रूप से तिब्बत में, तिब्बत का जो इलाका है इसके साथ साथ में रसद के मामले में भी चीन हमेशा लाभ उठाता चाहता है।
चीन हमेशा एलएसी की नकली व्याख्या पेश करते रहा है और मध्य क्षेत्र के संबंध में 20 साल पहले नक्शों के एक बार के आदान प्रदान पर बड़े पैमाने पर अपनी इस जो क्लियर पोजीशन है उसको बिल्कुल भी कतरा रहा है कि नहीं, ये हमारी पोजीशन नहीं है। 20 साल पहले जो हम मैप को आदान प्रदान किए थे उससे भी चाइना क्या है पीछे हट रहा है अपनी बातों से। इसके अतीत के विपरीत भारत तेजी से अपनी सीमा अवसंरचना का निर्माण कर रहा है। सीमा सेक्टर में हम देखेंगे बहुत सारे पुल बन रहे हैं, सड़कें बना रहा है भारत। चीन ने अपना खुद का निर्माण करना चालू कर दिया है, फिर भी भारतीय पक्ष में बेहतर लॉजिस्टिक पर आपत्ति जताने का दुस्साहस किया है, केवल विषमता को बरकरार रखने के लिए। अतीत की यदि हम तुलना करें तो कुछ समानताएं भी हैं और कुछ कुछ डिफरेंस भी हमको देखने को मिल रहा है। दोनों ही अवधियों में सीमांत इलाकों पर विवाद होता था, जो आज के टाइम में भी हो रहा है। तो 1940 के दशक के बाद में, ठीक है, त्वरित उत्तराधिकार में अपने स्वयं के आ गए और स्पष्ट सीमा रेखाओं के माध्यम से अपने भौगोलिक क्षेत्रों की व्याख्या की मांग करने लगे। मतलब कि चाइना ने तो पहले हड़प लिया है, अब कह रहा नहीं आप सीमा रेखा का व्याख्या करिए, ऐसी कंडीशन हमको देखने को मिल रही है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं पास्ट में जो चीज़ें घटित हुई हैं उनसे हमने कुछ सबक हासिल किया है। चाइना को सबक सिखाने के लिए इंडिया जो है अमेरिका के साथ में अपने रिलेशन को मजबूत करते रहा है। इसके साथ साथ में इंडिया ने लॉन्च किया था आत्मनिर्भर भारत, ताकि चाइना को हम थोड़ी ना थोड़ी कुछ ना कुछ जवाब जरूर दे सकें। इस प्रकार से हम देख रहे हैं आज के टाइम में किस प्रकार से भारत की राजनैतिक सोच में परिवर्तन आया है। जो एलएसी है इंडिया और चाइना के बीच में, तो ये रिजल्ट नहीं है बायलैटरल निगोसिएशंस का, ठीक है, मतलब कि दो इसी के चक्कर में तो दोनों के द्वारा इसको हमेशा चैलेंज करते गया है। देयर आर एरियाज अलोंग द एलएसी दैट हैव बीन पेट्रोल्ड बाई बोथ साइड। एलएसी के एरिया में हम देखते हैं कि दोनों ही सेनाओं के द्वारा पेट्रोलिंग करी जा रही थी पास्ट में। फिर हम देखते हैं चाइनीज इंग्रेस इन समवडरोंग चू वैली इन द तवांग सेक्टर इन 1986-87 रिजल्टेड इन क्लोज कन्फ्रंट्रेशन दैट लास्टेड 8 ईयर्स। तवांग सेक्टर में अब हम देख रहे हैं चाइना ने अपने पैर बढ़ाना चालू कर दिया तो भारत ने विरोध किया। 1986-87 की ये बात है। अब फिर इसमें संघर्ष जो चला लगभग 8 साल ऐसे ही निकल गए। तो हम देखते हैं कि केवल 1995 का साल, इट वॉज ओनली इन 1995 की जो दोनों साइड थी पीछे हट गई थी, पुल बैक हो गए। विद इंडिया रीलोकेटिंग इट्स जया एंड नेगी पोस्ट ऑन द साउथ साइड ऑफ हाथुगला लुंगरोला रिज लाइन। अब जब हम पीछे हटे तो हमने अपनी जो पोस्ट है उनको इधर से उधर शिफ्ट कर दिया था। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल है वो बता रहा है कि पूरा विश्व किस प्रकार से अब एशिया की ओर देखने लगा है, या फिर जो पावर है एशिया की तरफ में सेंट्रलाइजेशन हो रही है। पहले क्या हुआ करता था, दो ही प्रमुख पावर होती थी, एक अमेरिका और दूसरा रसिया। लेकिन आज के टाइम में हम देख रहे हैं अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस लेकर के वो चला गया है। दूसरी नंबर की बात यह है, अब अमेरिका का उतना ज़्यादा प्रभाव एशिया में नहीं रहा है। चाइना उभर करके सामने आ रहा है, रसिया आ रहा है। इसके साथ साथ में हम देखते हैं बहुत सारे ईरान, तुर्की, सऊदी अरब जैसे कई क्षेत्रीय शक्ति उभर करके सामने आ रही। मतलब पावर का वर्ल्ड लेवल पर हमें संतुलन दिखाई दे रहा है, कोई एक देश कभी भी मजबूत नहीं होना चाहिए। एशिया अधिक वैश्विक प्रमुखता की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन अस्थिरता इसकी अधिकारपूर्ण भागीदारी होगा। लेकिन हम देख रहे हैं इसमें कोई भी देश परमानेंटली तौर से नहीं उभर रहा है, इसमें अस्थिरता, कभी कोई देश आगे निकल जाता है, कभी कोई देश पीछे निकल जाता है। देखिए भारत के लिए यदि हम बात कर लें, भारत की फॉर इंडिया द राइज ऑफ द एशियन सेंचुरी,
एशियन सेंचुरी का उदय हो रहा है। माइट टर्न आउट टू बी टू स्टीप इन हार्स रियल पॉलिटिक फॉर इट्स कंफर्ट। अभी वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल सोच रहा है, लेकिन उसके लिए भी कुछ परिस्थितियां अभी बदल सकती हैं। कठोर वास्तविक राजनीतिक हमको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भारत के बारे में बताया जाता है। एक गहरी यथास्थितिवादी जोखिम प्रतिकूल, यदि हम बात कर लें भारत सरकार के, ठीक है, मतलब कि जो अभी कंडीशन चल रही है, परिभाषित जो अभी लाइंस हैं उनको क्रॉस करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं एशियन सेंचुरी और मल्टीपोलारिटी के बारे में। देयर कैन बी नो मीनिंगफुल एशियन सेंचुरी। एशियन सेंचुरी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी महत्व ही मीनिंगफुल अर्थ ही नहीं दिखाई दे रहा है यूनिपोलर वर्ल्ड में। वन अल्टरनेटिव टू ए यूनिपोलर वर्ल्ड इज ए मल्टीपोलर वर्ल्ड। एक ही देश मजबूत हो उससे अच्छा है कि रसिया, चाइना, जापान, इंडिया जैसे अदर जो स्मॉलर पावर्स हैं, ठीक है, वो सामने उभर करके आए। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है एसर्टिंग। एसर्टिंग का मतलब होता है अपने आप को ये निखारें, देमसेल्वेस ऑन द ग्लोबल स्टेज। फिर यदि हम अदर अल्टरनेटिव की बात करें वो है चाइना डोमिनेटेड एशिया। दूसरा एशिया ऐसी कल्पना करिए जिसमें चाइना डोमिनेट कर रहा है। हियर इन लाइज द चैलेंज फॉर इंडिया। लेकिन यहाँ पर कुछ चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं इंडिया के लिए। ये बात क्लियर हो गई है कि चाइना डोमिनेटेड एशिया वुड नॉट सर्व इंडिया जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। इसमें इंडिया को कोई फायदा होने वाला नहीं है। वुड ए मल्टीपोलर एशिया बी ए यूजफुल टू इंडियन इंटरेस्ट। मतलब यदि हम ये कहें कि एशिया में भी बहुत सारी पावर हो तो क्या भारत को फायदा पहुंच सकता है? मल्टीपोलर वर्ल्ड या फिर एशिया की हम बात करें विथ ए न्यू शिफ्टिंग अलायंस, फॉर्मल, इनफॉर्मल, सीक्रेट, ओपन एंड इन बिटवीन पैक्ट एंड कंपीटिंग कोएलिशन यिंग फॉर डोमिनेंस विल इनवेरिएबली टेक अवे फ्रॉम द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द करेंट वर्ल्ड ऑर्डर। इससे एक बात निकल कर के ये सामने आएगी, करेंट का जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है उसमें स्टेबिलिटी आने वाली है। किस किस मामले में? यूएस, यूएस इज ऑन द डिक्लाइन एंड दैट चाइना इज ऑन द राइज। ऐसे में क्या होगा? अमेरिका का पतन होगा और चाइना उभर करके सामने आएगा। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं जिस प्रकार से रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए गए हैं तो उनका जवाब भी रशिया ने बड़े बेहतरीन तरीके से दिया है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं यूक्रेन के साथ में जब युद्ध छिड़ा था तो जो ट्रेड होने वाला था रशिया के साथ में, यूक्रेन के साथ में, वो शिफ्ट किधर हो रहा है? एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है फिर से एशिया में केंद्रित हो रहा है। बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए थे रशिया के ऊपर, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे वो स्विफ्ट जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करने से मना करना हो। हाँ, यदि डॉलर के इस्तेमाल से यदि वो रोकता है तो रशिया क्या काम करेगा? अपनी खुद की मुद्रा में ट्रेड चालू कर देगा। और यही बाकी देश भी चाहते हैं कि जब हमें एक डॉलर की जगह 80-80 रुपया देना पड़ जा रहा है तो हम डॉलर में ट्रेड क्यों करेंगे, हमें अपने अपनी मुद्राओं में करने दो। ऐसी बात यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है। एक न्यूज़ आई है भीमा कोरेगांव से रिलेटेड। हिस्ट्री में एक घटना घटित हुई थी तो उसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में है। इस छोटे से गांव से मराठा का इतिहास जुड़ा हुआ है। 200 साल पहले मतलब 1 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने पेशवा की बड़ी सेना को कोरेगांव में हरा दिया था। पेशवा सेना का नेतृत्व कर रहे थे बाजीराव द्वितीय। बाद में इस लड़ाई को दलितों के इतिहास में एक खास जगह मिल गई। बी आर अम्बेडकर को फॉलो करने वाले दलित इस लड़ाई को राष्ट्रवाद बनाम साम्राज्यवाद की लड़ाई नहीं कहते हैं। दलित इस लड़ाई में अपनी जीत मानते हैं। उनके मुताबिक इस लड़ाई में दलितों के खिलाफ अत्याचार करने वाले पेशवा की हार हुई थी। तो हर साल जनवरी में यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन किया जाता है, उन लोगों को याद किया जाता है, उसी को हम समझने की कोशिश करते हैं।
हर साल जब 1 जनवरी को दुनिया भर में नए साल का जश्न मनाते हैं, उस वक्त दलित समुदाय के लोग भीमा कोरे गांव में जमा होते हैं। वो यहाँ पर विजय स्तंभ के सामने अपना सम्मान प्रकट करते हैं। ये विजय स्तंभ ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस युद्ध में शामिल होने वाले लोगों की याद में बनाया था। इस स्तंभ पर 1818 के युद्ध में शामिल होने वाले महान योद्धाओं के नाम अंकित हैं, वो योद्धा जिन्हें पेशवा के खिलाफ जीत मिली थी। तो 2018 में हम देखते हैं 200वें नंबर का साल था। ऐसे में इस बार यहाँ भारी संख्या में दलित समुदाय के लोग जमा हुए थे और जश्न के दौरान दलित और मराठा समुदाय के बीच में यहाँ पर क्लैशेस हमको देखने को मिला था। तो इसलिए ये सब न्यूज़ आते रहती है, फिर केस वगैरह चला, अभी तक क्या उनकी कंडीशन, ये सारी बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन को बताती है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया साइन करेंगे एक माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट को, ताकि हम दोनों के जो बीच के संबंध हैं उसको हम मजबूत कर सकें। ये जो एकॉर्ड है ये हेल्प करेगा कॉम्बैट द राइज इन इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। अवैध तरीके से जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं उसको रोकने का काम करेगा, ऐसा कहना है ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्ट्री का। जयशंकर एंड स्टालनबर्ग आल्सो टू डिस्कस इंडिया G20 प्रेसिडेंसी एंड सिचुएशन इन यूक्रेन। तो हम देख रहे हैं, देखिए फ्रांस के साथ में कुछ एग्रीमेंट, इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फिनलैंड। इंडिया साइन करेगा अब कंप्रहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, शॉर्टकट में MMPA कहते हैं, ऑस्ट्रिया के साथ में, ठीक है। वाइल इंडिया हैज़ बीन कीन टू फाइनलाइज दिस एग्रीमेंट, हम काफ़ी उत्साहित हैं कि इन एग्रीमेंट को हम फाइनलाइज कर दें। किन के साथ में? यूरोपियन कंट्रीज, एज ए स्टेपिंग स्टोन टू रिजॉल्व इशू ओवर लॉन्ग पेंडिंग इंडियन यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड फैसिलेटिंग इंडियन प्रोफेशनल वर्किंग इन दीज कंट्रीज। द यूरोपियन कंट्रीज आल्सो सी देम एज ए वे टू कर्ब इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके साथ में भारत कोशिश किया है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें। इसके अलावा वो देश हमसे ये चाहते हैं कि इलीगल तरीके से जो लोग रह रहे हैं उनको रोका जाए। ऑस्ट्रियाई विदेश मंत्री प्रवक्ता क्लाउडिया टर्स्चर ने कहा है ये बहुत ज़रूरी समझौता है, विशेष रूप से अवैध प्रवासन में तेज वृद्धि को देखते हुए। पिछले साल ऑस्ट्रिया का सामना करना पड़ा था, ऑस्ट्रेलिया ने इस चीज़ का सामना किया, जिसमें भारत से 15,000 से भी ज़्यादा अवैध